हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 30 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ की कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ को जब भी कभी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, इस कनेक्टिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ब्लूटूथ को बंद कर देना है। इसके बाद आपको जो है अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग जो होती है इसे आपको एक बार रीसेट कर देना है। ठीक है, यानी कि रीसेट कर देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है कभी कभार प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऑप्शन, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको टैप करना है। तो यहाँ पर आपको ये जो तीन सेटिंग है आपकी वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में पहले से इंक्लूडिंग रहती है। ठीक है, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पर दोस्तों अगले पेज में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड इसे फिर से जो है रीसेट सेटिंग पर टैप करना है। आपको थोड़ी देर में नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे तो आपके ब्लूटूथ में जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन की APN सेटिंग को आपको रीसेट करना है। ठीक है, मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करने के लिए आपको जो है मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी, जिस कंपनी की आपकी सिम है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिल जाएगा सबसे नीचे एक्सेस पॉइंट नेम का, इसे आपको टैप करना है। ठीक है, आपको जो अगले पेज में APN का पेज मिलेगा, APN के इस पेज में सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन टैप करना है। 3 डॉट पे टैप करेंगे एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में लिखा होगा रीसेट टू डिफॉल्ट, इसे टैप कर देना है। तो आपको नीचे की साइड ना थोड़ी देर में नीचे लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट APN सेटिंग, तो आप APN सेटिंग को इस तरीके से रीसेट कर देंगे तो आपके ब्लूटूथ में जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम होता है वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो आपका अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले ना मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर की साइड है सर्च सेटिंग पे, यानी कि सर्च बार पे टैप करना है, और यहाँ पर आपको फिर से जो है सर्च बार पे सिस्टम अपडेट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको नीचे की साइड है सिस्टम अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सिस्टम अपडेट के इस पेज में लेकर आ जाएगा। आपको नीचे की साइड है ऑनलाइन अपडेट के उस ऑप्शन पे टैप करना है। तो आपको जो है इस वाले पेज में अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल कुछ भी अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेट हो जाएगा और आपके ब्लूटूथ में जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से यह होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, ब्लूटूथ में कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको अगला एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन का जो एयरप्लेन मोड होता है, एयरप्लेन मोड को आपको ना चालू कर देना है। एयरप्लेन मोड को कम से कम 5 या 10 सेकंड आपको सिर्फ इसे चालू रखना है, इसके बाद आपको इसे बंद कर देना है। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन होता है, इस प्रोसेस को भी आपको एक बार कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बता दिए सारे प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए तो आपके ब्लूटूथ में जो कनेक्टिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।